विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, उसे अलग से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि भारत की हिंदू राष्ट्र की पहचान को प्रबल करना व्हीप का कार्य है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बयान व विवाद को लेकर परांडे ने कहा कि जो अनुचित हो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोई यह न भूले कि जो धर्म के विरुद्ध होगा वह ध्वस्त हो जाएगा। देश में संतों को बदनाम करने का प्रयास होते रहता है। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में परांडे बोल रहे थे। बजरंग दल के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के मौके पर परांडे ने कहा कि विहिप व उससे जुड़े संगठन युवाओं को धार्मिक व राष्ट्रीय मामलों में जागृत कर रहे हैं। सामाजिक व रोजगार सृजन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बजरंग दल के माध्यम से शमशान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कारण भारतामध्ये आपल्याला हजारो वर्षापासून उदाहरण सापडते, जसं भगवान बिरसा मुंडा स्वातंत्र्याचं युद्ध ते लढले, ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढले आणि ब्रिटिशांच्या जेलमध्ये छळ करून त्यांचा मृत्यू झाला। मुंडा समाजाला धर्मांतरित करण्याची खूप षडयंत्र झाली, तर ते धर्माच्या रक्षणाकरता उभे राहिले। आपण जर राजपूतांची राजमुद्रा पाहिली महाराणा प्रतापांची, तर त्याच्यामध्ये अर्धी राजमुद्रा भील आहे की जी जनजाती आहे, अर्धी राजमुद्रा राजपूतांची आहे। तर मुसलमान आक्रमकांच्या विरुद्ध सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध लढायला शेष समाजासोबत जनजातीय समाज एकत्र आला। मुसलमानांच्या विरोधात लढायला राणी दुर्गावती आली, ती सुद्धा शेष समाजाच्या सोबत आली। गोविंद गुरु ज्यांनी भील समाजाचं नेतृत्व केलं ते सुद्धा शेष समाजासोबतच आले। स्वातंत्र्य सेनानी तडवी भील आपला मामा हे सुद्धा आले मध्य प्रदेशामध्ये। तर अशी राणी गायडिन लिव जी ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढली ती नागा जनजातीची होती। अशी किती नावं आपण देशभरातली सांगावी। आदिवासी हा शब्दच मुळी 1930 आगेमागे आलेला आहे, जो ब्रिटिशांनी आणला। त्याच्या आधी हा शब्द कॉन्सेप्ट मध्ये नव्हता। भारतात राहणारे सगळे जण आपण भारतातलेच मूळ निवासी आहोत, हा कॉन्सेप्ट भारताचा नाही, हा भारतातल्या हिंदू समाजाला तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे। त्यामुळे आज आपण हजारो ठिकाणी काम करतोय जनजातीय समाजामध्ये। आता रामजन्मभूमी करता सुद्धा झारखंडच्या 2000 गावांमधन पूजेकरता सामान आलं। त्यामुळे त्याच्यामध्ये मुंडा, उराव, संथाल हे सगळ्या जनजातीचे लोक होते। भारतातल्या जेवढ्या सुद्धा जनजाती आहेत त्या प्रत्यक्ष राम मंदिराशी सुद्धा जुळल्या आहेत, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अनेक युद्धांमध्ये जुळलेल्या आहेत, देशधर्माच्या संस्कृतीच्या रक्षणाकरता जुळलेल्या आहेत। कोणतेही राज्य घेतलं तरी तिथे असे महापुरुष निघते। त्यामुळे हा जो एक नॅरेटिव्ह चालवण्याचा प्रयत्न होतोय तो समाजाच्या विघटनाकरता करतोय, तो खोटा नॅरेटिव्ह। अभी कार्तिक उराव, मेरा उत्तर सुन लीजिए आप कृपया। कार्तिक उराव करके कांग्रेस के सांसद थे झारखंड के, उस समय झारखंड नहीं बना था, वो बिहार के थे। और लेट 1970s में उन्होंने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में उनको ऐसा ध्यान में आया कि जितने जनजातीय समाज, मैं पर्पसली जनजाति बोल रहा हूं, मैं सरकारी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं ना आदिवासी कह रहा हूं ना वनवासी कह रहा हूं, जनजातीय समाज के जितने लोग ईसाइयों ने धर्मांतरित किए तो जो आरक्षण का लाभ है वो सारा का सारा कन्वर्टेड जनजातीय समाज ले रहा है। उनका सर्वे एक कांग्रेस के सांसद ने, वो हिंदू थे, कार्तिक उराव, उराव जनजाति के थे, तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया। आज लोकसभा के आप रिकॉर्ड्स में जाके देखेंगे, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि कन्वर्टेड जनजातीय समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मगर दुर्भाग्य से बाद में उनकी मृत्यु हुई, कांग्रेस ने उसको तय नहीं दी, वो मेजॉरिटी में आया था बिल। स्पेशल कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी को भी भेजा गया, उसमें भी केवल एक ईसाई ने उसका विरोध किया, बाकी सबके सब लोग उसके फेवर में थे, तो भी कानून नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। आज कांग्रेस के लोग जो बकवास कर रहे हैं उन्होंने अपना खुद का इतिहास देख लेना चाहिए। इसलिए
आज यह स्टैंड हिंदू जनजातियां ले रही है सारी की सारी, कि जो कन्वर्ट हो गए उन जनजातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अरे आम्ही स्वागत करतो की संभाजी महाराजांचं नाव दिलं गेलेलं आहे, आमची अजून दुसरी काय प्रतिक्रिया राहणार आहे? आणि त्यांनी दिलेली प्रतिक्रियेमध्ये एमआयएमचा माणूस अजून काय करणार आहे? तो विरोधच करणार शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांना। महाराष्ट्रातल्या आणि औरंगाबादच्या जनतेने हा विचार केला पाहिजे की यांना जिंकवून दिलं पाहिजे की नाही पुढच्या वेळेस, की जो खासदार संभाजी महाराजांचा विरोध करतो तो पुन्हा संभाजीनगर मधून जिंकून आला पाहिजे की नाही, ह्याचा संभाजीनगरच्या जनतेने विचार केला पाहिजे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज, नागपूर।